Hello everyone. Now we are going to create a DFA, means deterministic finite automata, जिसके अंदर में दिया गया है एक लैंग्वेज जो कि उसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है जिसके स्टार्टिंग में क्या दिया गया है ए बी, और स्ट्रिंग में अल्फाबेट कौन कौन से हो सकते हैं, ए और बी ही हो सकते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हमारे पास में है ए बी ट्रिपल ए बी, स्टार्टिंग में क्या है ए बी, तो डी एफ ए एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो कोई स्ट्रिंग हमारे पास में है बी ए ए बी, स्टार्टिंग में क्या है इसके बी ए नॉट ए बी, तो डी एफ ए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मान लो कोई स्ट्रिंग है स्टार्टिंग में डबल ए बी ए, स्टार्टिंग में क्या दिया है डबल ए बी नहीं है डबल ए है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि वही स्ट्रिंग डी एफ ए के अंदर एक्सेप्ट होंगी जिसके स्टार्टिंग में क्या दिया गया है ए और बी। तो हम लोग क्रिएट करते हैं उस तरह की स्ट्रिंग को। जब भी आपको एक डी एफ ए बनाने के लिए कहा जाए जिसमें स्टार्टिंग स्ट्रिंग दी गई है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका मैं ट्रिक शॉर्टकट तरीका नहीं ट्रिक है किस तरह से बनाना है। मान लीजिए दो कैरेक्टर हमको दिया गया स्टार्टिंग स्ट्रिंग के अंदर, तो मिनिमम आपको 2+1 मीन्स 3 स्टेट लगेगी। अगर मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्ट्रिंग ए बी ए से स्टार्ट हो रही है, तो मिनिमम आपको 3+1 मीन्स 4 स्टेट पक्का लगेगी। मीन्स जितने कैरेक्टर्स आपको दिए गए स्टार्टिंग स्ट्रिंग में उससे एक ज़्यादा मिनिमम आपकी इतनी स्टेट कंफर्म लगना है आपको। तो किस तरह से बनाते हैं हम देखते हैं। जैसे हमको दो कैरेक्टर दिए ए और बी, तो 3 स्टेट लगने वाली है। तो फर्स्ट स्टेट हम यहाँ पर रख लेते हैं, नाम दे दिया मैंने Q0। सेकेंड स्टेट हम बनाते हैं, नेम दे दिया Q1। थर्ड स्टेट हम बनाते हैं, नेम दे दिया Q2। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक स्टेट को इनिशियल स्टेट बनाना है। ये जो Q0 है ये हमारे लिए कौन सी स्टेट है, इनिशियल। एक स्टेट को हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो Q2 को हमने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। अब स्ट्रिंग शुरू किससे होने वाली है, ए और बी से। तो आप लोग क्या करो, Q0 से ए को निकाला Q1 तक गया, और Q1 से बी को निकाला Q2 तक गया। जब भी आपको स्टार्टिंग स्ट्रिंग दी गई है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इस तरह से डी एफ ए बनाएं, आपका डी एफ ए ईजीली बन जाएगा। अब इनपुट कितने हैं ए और बी, ठीक। जब भी स्टार्टिंग स्ट्रिंग दी गई हो आप क्या करो, फाइनल से ए को निकालो और फाइनल पे ही मिला भी दो, फाइनल से ही बी को निकालो और फाइनल स्टेट से बी को मिला भी दो। ओके, मीन्स हर स्टेट से ए और बी निकालना है हमें। Q0 का अगर मैं देखूँ इनिशियल से, ए तो निकाल दिया, बी निकालने का बचा है, ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ इतना सही बना है कि नहीं। मान लो कोई इनपुट हमने दिया ए बी डबल ए बी, तो जो फर्स्ट ए है ओके ये वाला Q0 से निकलेगा Q1 तक जाएगा, फिर बी है Q1 से निकलेगा फाइनल तक जाएगा, फिर दो बार ए है लेकिन Q2 से ए निकल के Q2 पे ही मिल रहा है, दूसरा ए भी Q2 से निकलेगा Q2 पे ही मिल जाएगा, फिर क्या है बी, बी भी Q2 से ही निकलेगा Q2 पे ही मिल जाएगा। यानी जो हमने अभी DFA बनाया है आधा अधूरा है, लेकिन ए बी जो स्ट्रिंग है वो फाइनल तक पहुंच रही है जिसके स्टार्टिंग में क्या दिया हो ए बी। अब हमें क्या करना है, Q0 से हमने ए तो निकाल दिया, अब बी निकालना बचा है। अगर मैं Q0 से बी निकाल के Q1 पे मिला दूँ, इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कोई इनपुट हमने दिया डबल बी ए बी, तो जो जो फर्स्ट बी हमारे सामने है ठीक, Q0 से निकलेगा Q1 तक जाएगा, दूसरा बी Q1 से निकलेगा Q2 तक जाएगा, फिर ए Q2 से निकल के Q2 पे ही मिल जाएगा, फिर बी Q2 से निकल के Q2 पे ही मिल जाएगा। यानी अगर मैं Q0 से Q1 को बी से कनेक्ट करता हूँ, उस केस में जिसके स्टार्टिंग में डबल बी है वो भी फाइनल तक जा रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसके स्टार्टिंग में ए बी है वही फाइनल तक जाना चाहिए। मीन्स हम जो बी है Q0 से Q1 की तरफ पास नहीं कर सकते। तो अब इस केस में हम लोग क्या करें, अगर मैं Q0 से पास करके देखूं, ओके अगर मैं Q0 से बी को Q2 की तरफ पास करके देखता हूं, अब मान लो हमारा इनपुट है बी ए बी, स्टार्टिंग में क्या है बी ए, Q0 से जो बी है कहाँ तक जाएगा Q2 तक, फिर जो ए है Q2 से निकल के Q2 पे मिल जाएगा, फिर जो B है Q2 से निकल के Q2 पे मिल जाएगा। अगर मैं Q0 से B को Q2 से जोड़ता हूँ, उस केस में क्या है
जिसके स्टार्टिंग में बी ए है वो भी फाइनल तक जा रहा है। जब क्वेश्चन क्या बोलता है, जिसके स्टार्टिंग में ए बी है वही फाइनल तक जाना चाहिए, तो इस केस में हम लोग क्या करें, ये भी सोचने वाली बात है। इस केस में हमको मदद करेगी डेड स्टेट। ओके, डेड स्टेट मीन्स जो दूसरी स्टेट को इनपुट नहीं देती बल्कि दूसरी स्टेट से देती है। मीन्स देखिए किस तरीके से, मान लो मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई, डेड स्टेट है वो, उसको नाम दे दिया Q3। बी को ट्रांसफ़र करने की प्रॉब्लम आ रही थी तो Q0 से मैंने क्या किया, बी को Q3 के पास भेज दिया। अब इससे Q1 से हम ए नहीं भेज सकते कहीं पे भी, तो हम लोगों ने क्या किया, Q1 से ए को कहाँ भेज दिया, Q3 के पास में। हर स्टेट से ए भी निकला, मीन्स डेड स्टेट से भी ए भी निकलेगा। डेड स्टेट से हमने ए निकाला, डेड स्टेट पे मिला दिया, हमने बी निकाला, डेड स्टेट पे मिला दिया। तो डेड स्टेट वो होती है जो किसी भी दूसरी स्टेट को इनपुट नहीं देती। अगर आप गौर से देखो तो Q3 सिर्फ इनपुट ले रही है, वो दूसरी स्टेट को इनपुट नहीं दे रही, तो Q3 इस केस में क्या है, डेड स्टेट। तो ये हमारा फाइनल ऑटो DFA बन के रेडी है। हम चेक कर लेते हैं, मान लो मैंने एक इनपुट दिया यहाँ पे ए बी ट्रिपल ए बी, ए Q0 से Q1 पे गया, देन बी Q1 से Q2 पे गया, देन ए कितनी बार है, 3 बार, Q2 से ए निकलेगा, Q2 पे मिलेगा पहला, दूसरा ए और तीसरा ए। अब बारी है बी की, Q2 से निकलेगा और Q2 पे ही बी मिल जाएगा, ठीक। तो ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे लेते हैं बी ए बी ए, तो Q0 से बी जाएगा Q3 पे, देन ए की बारी है, Q3 से ए निकल के Q3 पे ही मिल जाएगा, देन बी की बारी है, Q3 से बी निकल के Q3 पे ही मिल जाएगा, देन ए की बारी है, Q3 से ए निकल के Q3 पे ही मिल जाएगा। इस केस में हमने क्या देखा, जिसके स्टार्टिंग में ए बी दिया गया है वही स्ट्रिंग फाइनल तक पहुंच रही है, बाकी स्ट्रिंग फाइनल तक नहीं पहुंच रही। तो ये था हमारा फाइनल DFA जिसमें हमें स्टार्टिंग स्ट्रिंग दी गई है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ऐसी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।